हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका मेक और प्रोडक्ट में, जो आपको नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू देखने को मिलते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं यार्डले के न्यू फेस पाउडर का। तो ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है, मैं आपको खोल के भी बताऊंगी। तो इसकी एमआरपी है 135 रुपीज़। 135 रुपीज़ में आपको ये 70 ग्राम आता है, और ये 98% नेचुरल पाउडर है, ऐसा उन्होंने लिखा है। टाल्क है जो कि आप फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। अल्पाइन रोज़ एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाते हैं। तो मैं आपको इसका आज लाइव रिव्यू लगा के बताने वाली हूँ कि ये लगाने के बाद कैसी दिखती है। ये नॉर्मल फेस पाउडर है, मैंने लगाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका टेक्सचर जो है ये वाइट कलर का है, और लगाने के बाद ये फुल वाइट पाउडर होती है वैसा हो जाता है। मतलब जैसे कि हमारी वाइट टोन पाउडर है वैसा ही सेम इसका टेक्सचर है। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा ग्लो करती है इससे इसके मुकाबले। तो सेटिंग पाउडर एज अ सेटिंग पाउडर के लिए ठीक है, पर इससे इसको लगाने के बाद वाइट वाइट हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसे खोल के लगा के बताती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको इसे लगा के बताया कि ये वाइट पाउडर है, अंदर से पैकेजिंग बताया हुआ है। और इसमें जो एक्सट्रैक्ट है अल्पाइन रोज़ के, वो उसका फ्रैग्रेंस बहुत ही अच्छा आता है, तो ये स्किन को ग्लो करती है सेम वाइट टोन पाउडर के जैसे, थोड़ी वाइट वाइट, ज़्यादा वाइट है। तो बाकी तो कुछ मुझे इसमें खास लगा नहीं, तो इस प्रकार का कुछ इसका टाल का पैकेजिंग है, जो कि पहले जो हम यूज़ करते थे वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट इसके अंदर पफ दिया गया है एक आपको लगाने के लिए। पफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पाउडर लगाते हैं वैसे ही पफ की क्वालिटी है। तो इसे मैं आपको फाइनली लगा के बताती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा आता है, जिन्हें भी वाइट पाउडर लगाना पसंद है वो इसे लगा सकते हैं, बट जिन्हें बहुत ज़्यादा वाइट पाउडर से प्रॉब्लम है वो इसे ना लगाए। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार ग्लो करता है वाइट टोन जैसा सेम। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, और फ्रैग्रेंस की माने तो फ्रैग्रेंस काफ़ी अच्छा है रोज़ वाला। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, वाइट टोन के अलावा आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी कुछ खास बात है नहीं इसमें, नॉर्मली फेस पाउडर है जो कि आपको थोड़ा सा ग्लो देती है वाइट वाला। और ऐसा तो हमारा कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा ग्लो देता है, और वाइट टोन वाली पाउडर भी अच्छी देती है। जिन्हें भी वाइट टोन मतलब ऐसे लूज़ पाउडर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो ये वाली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास बात है नहीं, आप नॉर्मल पाउडर के जैसा यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड्स पाउडर जैसा बहुत से लोग फेस पे अप्लाई करते हैं वैसे ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं वाइट टोन, या फिर आप एज अ सेटिंग पाउडर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, तो अफोर्डेबल रेंज में है। आप ज़रूर अगर आपको पसंद है तो ज़रूर आप खरीद के लगा सकते हैं, वरना कॉम्पैक्ट पाउडर मेरे ख्याल से बेस्ट होता है फेस के लिए इस पाउडर के मुकाबले। पर कुछ कुछ लोगों को कॉम्पैक्ट पाउडर सूट नहीं करता, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वाइट वाइट उन्हें ज़्यादा लगता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से बहुत ज़्यादा मेकअप दिखता है, ऐसा लगता है। बहुत से लोगों को पॉन्ड्स पाउडर यूज़ करने की आदत होती है, तो उसके मुकाबले आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है पॉन्ड्स पाउडर से। तो ये था आज का रिव्यू, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।